हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंगाटिया और आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक का चैप्टर नंबर 9 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है जन सुविधाएं। तो चलिए चैप्टर को अच्छे से करते हैं। यहाँ पर एक अन्ना नगर, यहाँ पर एक रामगोपाल है, पद्मा, और देखिएगा अम्मू और कुमार चेन्नई में एक बस से सफ़र कर रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए वे जल सुविधाओं को देखते जा रहे हैं। मडिपाकम, मैलापुर, यहाँ पर जो व्यक्तियों के नाम है वो भी दिखाए गए थे। चलिए, चेन्नई के लोग और पानी। श्री रामगोपाल जैसे आला सरकारी अफसर चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं। भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचों वाला यह इलाका खासा आकर्षक है। यहाँ के नलों में 24 घंटे पानी रहता है। जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो श्री रामगोपाल नगर जल निगम में परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं और फौरन उनके लिए पानी के टैंकर का इंतज़ाम हो जाता है। शहर के ज़्यादातर इलाकों की तरह मैलापुर में सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है। यहाँ नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है। कुछ लोगों की ज़रूरतें निजी बोरवेल से पूरी हो जाती है, लेकिन बोरवेल का पानी खारा है। लोग उसे शौचालय और साफ सफाई के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कामों के लिए टैंकरों का पानी खरीदना पड़ता है। सुब्रमण्यम टैंकरों से पानी खरीदने के लिए हर महीने 500-600 रुपये खर्च करते हैं। पीने के पानी को साफ करने के लिए लोगों ने घरों में ही जल शोधन उपकरण लगवाए हुए हैं। मडिपाकम के एक मकान में शिवा पहली मंजिल में किराए पर रहता है। उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पा रहा है। पीने के लिए शिवा बाजार से पानी की बोतलें खरीदता है। पद्मा घरेलू नौकरानी है, वह सैदापेट में काम करती है और पास ही एक झुग्गी बस्ती में रहती है। उसकी झुग्गी का किराया 650 रुपये माहवार है, यानी महीने का। उसकी झुग्गी में न तो शौचालय है, न ही पानी का अन्य स्रोत है। इस तरह की 30 झुग्गियों के लिए कोने में एक ही नल है। इस नल में रोज 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है। इस दौरान एक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाल्टियां भरने का मौका मिलता है। इसी पानी से लोग जो है नहाने धोने और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवारों को पानी नहीं मिल पाता, उन्हें टैंकरों का घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। जीवन के अधिकार के रूप में पानी, तो देखिएगा जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। न केवल यह हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक देता है। भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में दस्त, पैचिस, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं, उनमें उसका स्थान काफ़ी ऊपर आता है। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। उनमें से ज़्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो इन मौतों को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। कहने का मतलब यह है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुँच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में सबको पानी मिलना चाहिए। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में यह कहा कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूब नगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर दोहराया है। पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गाँव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है, उससे भूमिगत पानी दूषित हो गया है जो सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूब नगर के जिला कलेक्टर को आदेश किया कि वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध करवाए। जन सुविधाएं। पानी की तरह अन्य सुविधाएं भी हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। पिछले साल आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता इंदौर सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज भी अनिवार्य चीज़ें हैं। इन्हें जन सुविधाओं के नाम से जाना जाता है। किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद इसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर गांव में एक स्कूल बना दिया जाए तो उससे बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है। इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं। लोग बिजली से चलने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में आसानी हो जाती है और किसी न किसी तरीके से गाँव के अधिकांश लोगों को फ़ायदा होता है।
सरकार की भूमिका, चूंकि जनसुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं इसलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी किसी न किसी के ऊपर ज़रूर आनी चाहिए। जी हाँ, यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से यह एक है कि वह सभी लोगों को इस तरह की जनसुविधाएं मुहैया कराए। आइए इस बात को समझें और यह जिम्मेदारी सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए। हम देख सकते हैं या हम देख चुके हैं कि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती हैं। कक्षा 7 की पुस्तक में बाजार में एक कमीज अध्याय को पढ़कर आप यह समझ चुके होंगे कि ज़्यादातर जनसुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती। उदाहरण के लिए नालियों को साफ रखने या मलेरिया रोधी अभियान चलाने में किसी कंपनी को क्या मुनाफा हो सकता है। फलस्वरूप कोई निजी कंपनी इस तरह के कामों में दिलचस्पी नहीं लगी, लेकिन स्कूल और अस्पताल जैसी कुछ जन सुविधाओं में निजी कंपनियों को दिलचस्पी हो सकती है। हमारे पास इस आशय के बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह निजी कंपनियों को टैंकरों और सीलबंद बोतलों के जरिए पानी को आपूर्ति करते हुए देखा होगा। ऐसी स्थिति में निजी कंपनियां जन सुविधाएं तो मुहैया कराती हैं, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि चंद लोग ही उनका खर्चा जो है वो उठा पाते हैं। ये सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध होती है। जितना खर्च करेंगे लोग उसके मुताबिक ही सुविधाएँ पाएंगे। यदि यह सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगा। इसका नतीजा यह होगा कि इन सब सुविधाओं की एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे, वे सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे। यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए ज़रूरी है कि वहाँ इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत ज़रूरतें पूरी की जा सकें। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसलिए जन सुविधाएँ मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? तो आप हर साल सुनते ही होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया है। बजट के जरिए सरकार अपने नफे नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों की योजना सामने रखती है। बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। जनता से मिलने वाले कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होते हैं। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने का खर्च करना पड़ता है। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज़्यादातर लोग रोजाना निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सके। केंद्रीय सरकार जिन पर धन व्यय करती है, देखिएगा यहाँ पर करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 24 पैसे, अगर पूरा 100 पैसे माने तो, और ब्याज अदायगी में 18 पैसे, केंद्रीय क्षेत्र की योजना आयोजना में 10 पैसे, 9 पैसे रक्षा में, 9 पैसे आर्थिक सहायता में, 9 पैसे वित्त आयोग और नियंत्रण, 8 पैसे अन्य व्यय और पेंशन में। इस तरह से जो है पूरा यहाँ पर दिया गया है। ये केंद्रीय बजट 2018-19 के अनुसार है। बात करते हैं आगे। कम दूरी के लिए बसें ही सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ज़्यादातर कामकाजी लोग बसों से ही अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। तेज शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में भी सार्वजनिक बस प्रणाली ज़रूरत के हिसाब से कम साबित होती जा रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली तथा अन्य महानगरों में सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना के रूप में एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। दिल्ली में जो है मेट्रो रेल के पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकार बजट के 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है बजट से। कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकार सार्वजनिक बस प्रणाली में सुधार पर ध्यान देती तो इतने भारी खर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती और लोगों की ज़रूरत भी पूरी हो जाती। आपको क्या लगता है, आपकी राय में देश के दूसरे भागों के लिए क्या हल ढूंढा जा सकता है? तो चलिएगा, चेन्नई में पानी की आपूर्ति क्या सबको पानी मिल रहा है? तो चेन्नई में बात करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जन सुविधाएँ सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव है। इस अध्याय के अगले हिस्से में आप पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यह जन सुविधा बहुत मायने रखती है। जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में हमने देखा था, चेन्नई में पानी की भारी कमी है। नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी ज़रूरत ही पूरी हो पाती है। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है, कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। जहां पानी का भंडारण किया गया है उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा पानी आता है, जबकि दूर की बस्तियों को कम पानी मिलता है। जलापूर्ति में कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है।
जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा होती है तो इस वर्ग के लोग ज़्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। वे बोरवेल खोदकर, टैंकरों से पानी खरीदकर, बोतलबंद पानी खरीदकर अपना काम चला लेते हैं। पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों की सुरक्षित पेयजल तक पहुँच है। यह इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। इस तरह संपन्न तबके के पास ही ज़्यादा विकल्प होते हैं। वे बोतलबंद पानी और जल शोधक उपकरणों के सहारे साफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं। इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ पानी मिल जाता है, परंतु गरीब इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास पानी का अधिकार है। यह स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है। आगे देखिएगा, किसानों से पानी छीनना। पानी की कमी ने निजी कंपनियों के लिए मुनाफे के लिए रास्ते खोल दिए हैं। बहुत सारी निजी कंपनियां शहर के आसपास के इलाकों से पानी खरीदकर शहरों में बेचती हैं। चेन्नई में मामदूर, पालूर, करुणगिझी जैसे कस्बों और शहर के उत्तर में स्थित गांवों से पानी लाया जाता है। 13,000 से भी ज़्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं। हर महीने पानी के व्यापारी किसानों को पेशगी रकम देते हैं ताकि वे किसानों की ज़मीन से पानी निकाल सकें। इस तरह न केवल खेती का पानी छिन जाता है बल्कि गांवों के लिए पीने के पानी की आपूर्ति भी कम पड़ने लगती है। नतीजा यह है कि इन सारे कस्बों गाँवों में भूमिगत जल स्तर बहुत बुरी तरह गिर चुका है। बात करते हैं आगे विकल्पों की तलाश। चेन्नई की स्थिति कोई अनूठी नहीं है। गर्मियों के महीनों में पानी की कमी का यह हाल देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देने लगता है। नगरपालिका की जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैलती जा रही हैं और ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती हैं। पानी के इस्तेमाल में भी ज़बरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है, लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी भी नहीं मिलता, यानी 1 बाल्टी। दूसरी तरफ आलिशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर तक पानी, यानी 80 बाल्टी तक पानी मिलता है। बात करते हैं आगे, नगरपालिका के जरिए जलापूर्ति में कमी को अक्सर सरकार की नाकामयाबी माना जाता है। कुछ लोगों की दलील है कि चूंकि सरकार ज़रूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, इसलिए जलापूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए। उन्हें लगता है कि निजी कंपनियां ज़्यादा बेहतर काम कर सकती हैं। इस दलील को रोशनी में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, इस दलील की रोशनी में कि दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही है। निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण बहुत कम हैं। दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुंच चुकी है। जहां जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई, ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ। इस कारण वहां बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए। बोलीविया आदि देशों में तो दंगे भी फैल गए, जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीन कर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन ये उदाहरण कम हैं और उनकी सफलता कुछ क्षेत्रों में ही सीमित दिखाई पड़ती है। मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। हाल ही की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है और उसकी आमदनी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। वहां पर पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों की भी सेवाएं ली जा रही हैं, लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करता है और वही उन्हें काम करने की इजाज़त देता है, इसलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। बात करते हैं आगे, स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विस्तार यहाँ पर यह दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर को। निष्कर्ष क्या निकलता है इस चैप्टर का कि जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी ज़रूरतों से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा,
आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जनसुविधा मुहैया करवाए, लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। आपूर्ति में कमी है और वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गाँवों में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब है। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति कमजोर है। इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने से समस्या हल होने वाली नहीं है। किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और उसे ये सुविधाएं समतापरक ढंग से मिलनी चाहिए। तो चलिए जो प्रश्नोत्तर हैं वो चलिए एक PDF के माध्यम से देख लेते हैं। तो चलिएगा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। जन सुविधाएं पाठगत प्रश्न जो है हमारे, सबसे पहले ये कुछ चित्र दिए गए थे। आपने ऊपर उल्लेखित चार स्थितियों को देखा, अब बताइए कि चेन्नई में पानी की स्थिति कैसी है। तो सिंपल सी बात है, हमने देखा कि चेन्नई में पानी की स्थिति अच्छी नहीं है। अन्ना नगर में पानी नियमित रूप से आता है, जबकि मैलापुर, मणिपाकम और सैदापेट क्षेत्रों में पानी की कमी है। अगला प्रश्न देखिए, उपरोक्त वर्णन में से घरेलू इस्तेमाल के विभिन्न जल स्रोतों को चुनें। तो घरेलू जो जल होता है वो या तो नगरपालिका का जल होता है, वहाँ से आता है, वो नहीं आता तो पानी के टैंकर मंगाए जाते हैं, पानी की बोतलें या बोरवेल खुदवा करके पानी उसका यूज़ किया जाता है। यही विभिन्न जो जल स्रोत हैं जो कि घरेलू इस्तेमाल के लिए हमें जल उपलब्ध कराते हैं। आपकी राय से सुब्रमण्यम और पद्मा के अनुभवों में क्या समानता है और क्या अलग है। देखिए, सुब्रमण्यम और पद्मा जो है दोनों ही पानी की कमी का सामना करते हैं। सुब्रमण्यम और पद्मा जो है दोनों ही पानी की आवश्यकता की पूर्ति बोरवेल के द्वारा करते हैं, लेकिन अलग क्या है। तो देखिएगा, सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में नगरपालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है, जबकि पद्मा की बस्ती में नल में प्रतिदिन 20 मिनट के लिए पानी आता है। सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में बोरवेल का पानी खारा होता है, इसलिए वे इस पानी का प्रयोग केवल शौचालय और साफ सफाई में करते हैं, जबकि पद्मा के इलाके में पानी की कमी के होने के कारण लोग बोरवेल के पानी से नहाने धोने और पीने के लिए भी प्रयोग करते हैं। बात करते हैं अगला प्रश्न, आप अपने इलाके में जलापूर्ति की स्थिति का वर्णन करते हुए एक अनुच्छेद लिखें। तो ये आप खुद कर लेंगे। देश के ज़्यादातर स्थानों पर गर्मियों में पानी बूंद बूंद क्यों आने लगता है, पता लगाइए। तो देखिएगा, गर्मी में पानी की कमी के कारण, देखिए गर्मी होने के कारण अधिकांश नदियाँ सूख जाती हैं और उनका जल स्तर जो है वो गिर जाता है। गर्मियों में पानी का उपयोग अधिक हो जाता है, इसलिए नगरपालिका में पानी की सप्लाई कम हो जाती है। बोरवेल के पानी का उपयोग बढ़ जाता है, जिससे भूमिगत पानी का स्तर गिर जाता है। बात करते हैं आगे, अगला प्रश्न के क्या चेन्नई में सभी के लिए पानी का संकट है। क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग लोगों को अलग अलग मात्रा में पानी क्यों मिलता है, दो कारण बताइए। तो देखिएगा, अलग अलग लोगों को अलग अलग लेवल में पानी मिलने का कारण तो हमारे सामने है कि लोगों की आर्थिक स्थिति अलग अलग है। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम है वो बाजार से पानी खरीद सकते हैं, जबकि गरीब आदमी नगर पालिका की सप्लाई या बोरवेल के पानी पर ही निर्भर हैं। राज्य सरकार ने पानी की सुचारू वितरण के लिए उचित कदम जो है वो नहीं उठाए हैं, ये भी एक रीज़न है। बात करते हैं आगे, जन सुविधाएँ क्या होती हैं और जन सुविधाएँ मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार पर क्यों होनी चाहिए। तो देखिए, ये कुछ ऐसी मूलभूत सुविधाएँ हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं, जैसे पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली, परिवहन, विद्यालय और कॉलेज आदि। जन सुविधाएँ सरकारी जिम्मेदारी है, क्योंकि संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी नागरिकों को प्राप्त होता है, इसलिए जन सुविधाएं उपलब्ध कराना जो है सरकार की जिम्मेदारी है। आगे देखिएगा, सरकार कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का भी सहारा ले सकती हैं। उदाहरण के लिए सड़कें बनाने के लिए ठेके निजी कंपनियों और ठेकेदारों को भी दिए जाते हैं। दिल्ली में बिजली के वितरण का काम 2 निजी कंपनियों के हाथ में है, लेकिन सरकार को इन कंपनियों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इन सुविधाओं को सस्ती कीमत पर सभी लोगों तक पहुंचने के लक्ष्य को पूरा करने में कोई कसर न छोड़े। तो इसका कारण क्या होता है, देखिएगा, पहली बात तो निजी कंपनियां जन सुविधाओं की कीमतें इतनी ऊँची न कर दे कि वे आम आदमी की पहुँच से बाहर हो जाएँ। आम लोगों को यदि सस्ती कीमत पर जन सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करवाई गई तो वे सम्मानजनक जीवन नहीं जी सकेंगे। आगे देखिए, किसी वेतनभोगी कर्मचारी, अपना व्यवसाय या फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्ति और एक दुकानदार के बारे में पता लगाएं कि लोग किस किस तरह के कर चुकाते हैं। तो देखिए, मेनली इस तरह के कर होते हैं आयकर, संपत्ति कर, जल कर, विद्युत कर, बिक्री कर, और भी बहुत सारे कर हो सकते हैं, आप ये स्वतः भी कर सकते हैं। अगर सरकार जलापूर्ति की जिम्मेदारी से अपना हाथ खींच ले तो क्या होगा, क्या आपको लगता है कि यह सही कदम होगा। तो देखिए, यदि सरकार जल की आपूर्ति न करे
तो जल आपूर्ति का कार्य निजी कंपनियों के हाथ में दे दिया जाएगा तो पानी की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। और पानी लोगों की मूलभूत आवश्यकता है, यदि उन्हें इससे वंचित किया गया तो देश में असंतोष फैल जाएगा। ठीक है, और पोर्टो एलेग्रे में सार्वजनिक जलापूर्ति, पोर्टो एलेग्रे ब्राज़ील का एक शहर है, वहाँ पर इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज़्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। यहाँ नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ जल मुहैया करा दिया है, इसलिए शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे भी यह बड़ा कारण है। यहाँ पानी की औसत कीमत जो है वो कम रखी गई है, गरीबों के लिए केवल आधी कीमत ली जाती है। विभाग को जो भी फायदा होता है उसका इस्तेमाल जलापूर्ति में सुधार के लिए किया जाता है। जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है। विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं। ठीक है, चलिए ऊपर के भाग में आए मुख्य विचारों पर चर्चा कीजिए। जलापूर्ति के सुधार में आपकी राय से क्या किया जा सकता है? तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए, पाइप द्वारा पानी के रिसाव के कारण होने वाली क्षति को कम करना चाहिए। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए। संचार माध्यमों द्वारा जल संरक्षण के विभिन्न तरीकों का प्रचार किया जाना चाहिए। लोगों में वर्षा जल संग्रहण के प्रति भी चेतना जो है वो पैदा करनी चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि पानी और बिजली जैसे संसाधनों को बचाना और सार्वजनिक परिवहन साधनों का ज़्यादा इस्तेमाल करना बेहतर है? देखिए, इससे हमें जो है इससे आवश्यकता के समय हमें इनके अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर हम ऐसा करेंगे तो। और सार्वजनिक परिवहन साधनों का ज़्यादा उपयोग करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ईंधन की बचत होगी। सार्वजनिक परिवहन के अधिक प्रयोग से प्रदूषण भी कम होगा। क्या आपको लगता है कि समुचित स्वच्छता सुविधाओं के अभाव से लोगों का जीवन प्रभावित होता है? तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इससे जल जनित बीमारियाँ फैलती हैं, वातावरण में प्रदूषण फैलता है, गंदगी फैलने से बीमारियाँ भी फैलती हैं। आगे देखिए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इससे औरतों और लड़कियों पर ज़्यादा गहरा असर होगा? तो बिल्कुल सही बात है कि पुरुष तो घर के बाहर काम करने चले जाते हैं, लेकिन लड़कियां और औरतें घर पर ही रहती हैं। औरतों और लड़कियों को ज़्यादा समय अस्वच्छ वातावरण में बिताना पड़ेगा, जबकि पुरुषों को कम समय रहना पड़ता है। आप किसकी राय से सहमत हैं? अम्मू की राय से सहमत हूँ, क्योंकि हमारे संविधान ने बहुत सारी जन सुविधाओं को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि इन अधिकारों की अवहेलना न हो, ताकि प्रत्येक व्यक्ति एक सम्मानजनक जीवन जी सके। आगे प्रश्न अभ्यास हैं, देख लेते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में निजी जलापूर्ति के उदाहरण कम है? तो इसके कुछ रीज़न हैं, क्योंकि जलापूर्ति एक आवश्यक जन सुविधा है जो सभी लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए, और निजी कंपनियां तो सिर्फ लाभ के लिए काम करती हैं, वे सभी लोगों को जलापूर्ति नहीं कर पाती। और यदि निजी कंपनियां सभी लोगों को जलापूर्ति की सुविधाएं प्रदान करती भी हैं तो कीमत बहुत ऊंची होगी। क्या आपको लगता है कि चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध है और वे पानी का खर्चा उठा सकते हैं? तो देखिए, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था कि ऐसा नहीं है। अन्ना नगर और मैलापुर, मणिपाक्कम और शादापेट सब में अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, किसानों द्वारा चेन्नई में जले व्यापारियों को पानी बेचने से स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि स्थानीय लोग भूमिगत पानी के इस दोहन का विरोध कर रहे हैं या कर सकते हैं? क्या सरकार इस बारे में कुछ कर सकती है? तो देखिएगा, स्थानीय लोगों को पीने के लिए तथा सिंचाई के लिए कम जल प्राप्त हो रहा है। स्थानीय लोगों को भूमिगत पानी के इस दोहन का विरोध करना चाहिए। हाँ, सरकार जल व्यापारियों और जल बिक्री कर रहे किसानों दोनों के खिलाफ कदम उठा सकती है। अगला प्रश्न देखिए, ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर निजी अस्पताल और निजी स्कूल कस्बों या ग्रामीण इलाकों की बजाय बड़े शहरों में ही है? क्योंकि देखिए, बड़े शहरों में होने के कारण इसलिए हैं क्योंकि शहरों में धनी लोग ऊंची फीस और अन्य खर्च वहन करने में समर्थ हैं। कस्बों और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक खर्च नहीं किया जाता है। कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं और सुरक्षा की कमी है। कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में धनी लोग कम लाभ के डर से अस्पताल और स्कूल नहीं खोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जन सुविधाओं कर वितरण पर्याप्त और निष्पक्ष है? अपनी बात के समर्थन में एक उदाहरण दें। तो देखिए, हमारे देश में जन सुविधाओं का वितरण न तो पर्याप्त है और न ही निष्पक्ष है। ऐसा चेन्नई में साफ साफ देखने को मिलता है, क्योंकि सरकारी अफसर जो है वहाँ पर 24 घंटे आपूर्ति रह रही है। 30 झुग्गियों के लिए एक नल है, जहाँ पर सिर्फ 20 मिनट पानी आता है अपने इलाके में। चलिए, यह खुद करेंगे। जनगणना के साथ साथ कुछ जन सुविधाओं के बारे में भी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं अपने शिक्षक के साथ। चलिए, ये भी प्रश्न स्वयं करने वाला है। हमारे देश में निजी शैक्षणिक संस्थानल
कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान बड़े पैमाने पर खुलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी शिक्षा संस्थानों का महत्व कम होता जा रहा है। आपकी राय से इसका क्या असर हो सकता है, चर्चा कीजिए। देखिए, सरकारी संस्थानों को धीरे धीरे महत्व कम हो रहा है और निजी संस्थानों की मनमानी बढ़ रही है। गरीब लोग उच्च शिक्षा से वंचित रह जाएंगे और इससे शिक्षा व्यवस्था और अधिक महंगी हो जाएगी। तो चलिए, इसी के साथ आपका अध्याय पूरा होता है। अगले अध्याय के लिए मिलेंगे आपकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।